देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। सिद्धार्थनगर जिले में भवानीगंज थाने के भवानीगंज कस्बे में बीती रात 3 दुकानों का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों का सामान हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना बीती रात की है। भवानीगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। शटर और दरवाजा तोड़कर चोरी हुई है। 200 मीटर की दूरी पर स्थित है थाना। चोरी की घटना की जानकारी पीड़ित दुकानदारों को उस वक्त हुई जब सुबह पड़ोस के लोगों ने उन्हें उनकी दुकान का शटर टूटने चोरी की बात बताई। आपको बता दें, सरफ व्यवसायी तिजोरी की दुकान से निकालकर कुछ दूर स्थित खेत में जाकर फेंक दिया। तीनों दुकानों से हजारों की नकदी लाखों का सामान लेकर फरार हो गई। पीड़ित दुकानदारों के अनुसार चोरों ने साइकिल की दुकान से करीब 16,000, कपड़े की दुकान से 7,000, सरफ व्यवसायी की दुकान से 16,000 कैश, 3 लाख के सोने के गहने, करीब 3 लाख की चांदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने बताया, भवानीगंज क्षेत्र में कुछ दुकानों में चोरी हुई है। जल्द ही चोर पुलिस की पकड़ में होंगे। सर, भवानीगंज थाना क्षेत्र में भवानीगंज चौराहे पे एक सोनार की दुकान में चोरी हुई है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, रात्रि में एक घटना थाना भवानीगंज क्षेत्र में हुई है, जिसमें एक दुकान है, उसके दुकान के दरवाजे को, दरवाजा कमजोर था, उसको तोड़ के और अलमारी में से उसमें से आभूषण चोरी किए हैं। एग्जैक्ट कितना आभूषण चोरी हुआ है ये अभी इसकी जाँच चल रही है। FIR दर्ज करने के निर्देश थाना अध्यक्ष को दे दिए हैं और जो FSL की टीम थी वो मौके पर चली गई। इसके अलावा वहाँ का जो मोबाइल का रिकॉर्ड है, BTS, वो पुलिस की टीम ने उठा लिया है। जल्द ही घटना का नामकरण किया जाएगा।